और मेरा सिर दबो दियो इसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे लिए है ब्लैक डे क्योंकि मेरी बारी आई है ना, फर्स्ट बेंच पे आई है। पार्थिव की फर्स्ट बेंच पे, लेकिन उसने पढ़ा थोड़ा ज्यादा है मेरे से, इसलिए इसने लाल पहन लिया सॉरी मरून। हाँ पार्थिव, वो तो इसमें तो बताओ क्या बेंजिन हुआ क्या वो? ये तो ये बोला बोल रहा है, हम पहले पढ़ते थे ना क्या बारे में, क्या वो बताओ तो सर। इसे मालूम है, मेरे को कुछ नहीं पता। ये सलाह है ना, पता है, अंदर दबा के रखता है। तो भाई हमारा फोर्थ पेपर है भाई आज, और इसमें ये पेपर ऐसा है ना कि जिसमें आगे के क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते। क्या बोलते हैं पार्थिव? सारे हर बार यही बोलते, अगले साल के क्वेश्चन पेपर में कोई रिपीट नहीं। अब ऐसा ही होगा सब पेपर में, वो जाऊ भरो ये सब डलेगा माओ बाबा का सब डले। ऐसे कर दे, माफी मांग दे तो काट दे। मीठा माला माटी फूटी आती है ना वो यार, तू भी वो फाकी नहीं? नहीं नहीं, तम्बाकू हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। ओहो दाद दिखा तो इसमें क्या देखने, वो तो फोफा निकल हो गए लिसोटे। लिसोटे वो गाइस, आज के पेपर में ऐसा ही है लिसोटे। ए आज के पेपर में है ना वो रिक्शा दूर क्या होगा सीएनजी वाले। हाँ, वो है एलपीजी गैस। अगले पेपर में है ना मैंने वो ट्रक दौड़ा था, इस बार रिक्शा। ये पार्थिव का क्लास। पार्थिव भाई कांग्रेचुलेशन, कितना लिखा? सिंतेर का सिंतेर मतलब लिख दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ छोड़ने वाले है ही नहीं हम। हाँ इराज के खुशी देखो भाई, आज झंडा खुश साले। अब सच्चा टोटल 70 मार्क्स का पेपर था, उधर चल 70 का पेपर था और इराज ने 50 का, तो ओनली राइट आंसर, राइट परफेक्ट राइट, इतना भी मतलब इधर उधर नहीं, ऐसा इराज ने लिखा है। नहीं इतना दूर इधर उधर हो सकता है, धीरे धीरे रेशियो में आ रहा है इराज। छह पेपर अच्छा जाए फिर रेशियो आता है। रक्षित तो साला दिख ही नहीं रहा है, वो साला बेहोश हो गए, स्पॉट करना गए, बेपन हो गए ना बीच पेपर में। आज तो मैं सोऊंगा क्योंकि आज है ना मैं 2 बजे सोया था और 6 बजे उठ गया था ओनली पढ़ने के लिए। पहले पेपर में मैं पढ़ा हूँ इतना पढ़ा, साला इसमें पूछा ही नहीं मैंने पढ़ा। 12 बजे सो गया था, 9 बजे उठा। मैंने एक फ्लो डायग्राम तैयार किया था, इतना बड़ा फ्लो डायग्राम था तो वो आया ही नहीं, मेहनत पूरी बेकार चली गई यार। मैंने इसलिए कुछ तैयार नहीं किया, पर कोई बात नहीं रेशियो में आ जाऊंगा। महादेव महादेव हर महादेव भाई, श्रावण महीना चल रहा है, दर्शन बर्शन करने के लिए जाना। हमने तो सुबह ही कर लिया क्या दर्शन, महादेव के प्रश्न डायरेक्ट आशीर्वाद दे दिए हीराज को, हीराज को डायरेक्ट 50 मार्क का आशीर्वाद। जो पेपर में दर्शन कर गए ना वही अच्छे गए, मेरा तो सभी है नॉर्मल गए है दर्शन, सभी में दर्शन किए मन से दर्शन करते हैं। हीराज कितना भूल लकड़े ना वो देखो, बैग ही साले मैंने तू भूल के आया था, बैग भूल गए थे साले तेरे कंधे पे था, मेरा नाम मत ले, घंटा तेरे कंधे पे क्या। और ये कंपनी का फोन आ रहा है, इसका क्या करे, लोग में डोख लेना अगले सीन में किसके कंधे पे था। और तेरे कंधे पे होगा तो क्या सर उतार जाएंगे, अल बोल बोल, नहीं सोचना पड़ेगा सर। हाँ सर क्या क्या सरत है तेरे, फिर सरत नहीं दिया तो मालूम है ना क्या होगा। अब क्या सरत वो तो रख, फिर मैं देखता हूँ, वो तो अभी बता दूंगा तुझको बाद में क्या है। तू भूलक खड़े हो साले, नहीं सर लग गई पक्का। तो गाइस हीराज सरत हार चुका है, ये फेक हुए साला, मानता नहीं है किसी का भी, प्रूफ दिखाते हैं तभी मानता है। अभी हीराज को हर साल मेरी बर्बादी का आधा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। चुकाएंगा ना, हम बर्बाद होना चाहते, मेरी बर्बादी में भी तेरा आधा हिस्सा, मैं
मेरा जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई तू आज ही करेंगे। तू तो हमेशा नुकसान ही रहता है। तो करनी पड़ेगी ना, शरत थी भाई अपनी। व्हाट इज ग्रीनरी नीरज भाऊ? ऐसी ग्रीनरी होगी किसी के कॉलेज में तो प्लीज कॉमेंट। हाँ, इसके जैसी तो नहीं होगी, अभी आपको दिखाई जो वो टाका जो दिख रहा है ना, वहाँ हम नहाने आते थे पहले, तभी इरद नहीं आया था, वो घर पे गया था ना, मैं और दक्षित, क्योंकि पानी हॉस्टल में नहीं आ रहा था। ये बड़े बड़े पेड़, फुल ऑक्सीजन, तो फिर और क्या चाहिए यहीं इरद को? बस यही चाहिए, तो यहीं पे रुक जाओ। नहीं, मेरे को तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए बोल रहा? तो प्लीज सब्सक्राइब करो तो पैसा आए। नहीं रखो, कितना पैसा चाहिए तेरे को जिंदगी में वो बता। गिनती थोड़ी की जा सकती है। मेरे को तो है ना अनलिमिटेड। क्या देखो बोल रहा है तो अनलिमिटेड प्लस गिनती कहीं जा सकती, आगे जा सकती है। चुबान लड़का रही है लोंडो की भाई, पैसों के नाम से तो और ये रोड स्ट्रीट लाइट पर ये चलती नहीं है, ऐसे ही खड़ी है कई सालों से। 6:30 बजे वातावरण और कॉलेज। हीराज मूड कैसा? हीराज मूड तेरा ठीक है? मैं और हीराज जा रहे हैं अभी बैंक में, एक मिनट। तो गाइस, मैं और हीराज जा रहे हैं बैंक में क्योंकि हीराज को निकलनी है हरी पत्ती। क्योंकि हम कल नहीं और परसों हमारा है ना लास्ट पेपर है, ऐसे देखा जाए तो लास्ट ही है, फरार होने वाले हैं। फिर हम जाएंगे यहाँ से बैंक से पैसा लूट के मनाली। फरार कहाँ? कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली खोखो। ऐसा कुछ नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है भाई, ऑनलाइन पैसे है, तो फिर रोकड़ा लेने के लिए जा रहे हैं। चाहिए कि नहीं जाए कॉमेंट करो। तब तक तो हम पहुँच के आप ही गए होंगे। क्या बोलते रज दो जो लुक आपका वो आ रहा है मेरे से, ऐसा क्यों? मस्ती तो रहने दो। चने का लोट का वो चोपड़ा। चने का लोट के हम सिर्फ भजिए खा दे, हम तो ब्रेड पकौड़े भी खाते हैं भाई। ये मालगाड़ी आई, मालगाड़ी, ओ आ जाओ, माल लूटने, माल लूटना है भाई आपको तो लूट लो। है क्या भरा है इसमें? कोलसा, घंटा कोलसा। गाइस अभी हम जा रहे थे ना तो अभी फाटक बंद था क्योंकि ट्रेन आ रही थी और वापस फाटक बंद हो गया। हीराज कितनी ट्रेन निकलती है? 5 मिनट में 2 बार। यार मोरबी के पब्लिक वहाँ ट्रेन है तो यह क्या यार, 2 मिनट में मैं की भी नहीं बनती 2 मिनट में। ये ट्रेन 10 मिनट होगा शायद वापस बंद, ये बेचारे ट्रैफिक में फंस गए। क्या रोड जाम है नीरज भाई, नारा लगा रहे। नए दोनों सदस्यों एल्वेश और आशिका का बिग बॉस ओटीटी के इस घर में अब हार्दिक स्वागत है। तुम दोनों साथ में ऐसे लाए थे, मेरे को लगा पहले कपल हो। इधर आया तब ये कितना गहरा है? 4.5 फुट और मेरा सिर दबो दियो इसमें।